नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल इनिशिएटिंग टेक पे। दोस्तों ज्यादा बात नहीं करेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं यार बहुत मजेदार बात है, मेरा मैंने गेम रिमोट मतलब गेम कंट्रोलर जो है ना ऑर्डर किया था अमेज़न से, ये आज अराइव हो चुका है मेरे पास। ये मैं बता दूं मैंने 1150 रुपए में मैंने इसे लिया है और ये वायरलेस है और ट्रूली एक्सबॉक्स 360 का जो गेम रिमोट होता है ना उसकी कॉपी है और ये विंडोज 10 के साथ कंपेटेबल है, यानी कि आप अगर एक्सबॉक्स का कोई भी गेम अपने पीसी पर रन कर रहे हो तो फुल मजे से कंट्रोल कर सकते हो। 11 टाइप की कीज मिलती हैं और बाकी की डिटेल ना मैं आगे वीडियोस में आपको दे दूंगा, एक एक जानकारी दूंगा, गेम्स भी खेल कर दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो वो लाल वाले मतलब बटन को ना एकदम कूट कर उसको ग्रेट बना दो और घंटा जरूर दबा दो ताकि हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस ना आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ज्यादा ना देर करते हुए चलिए जानते हैं इस गेम रिमोट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास ये गेम रिमोट है और पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स दे देता हूँ जो यहाँ बॉक्सेस पे देखने को मिल रही है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो डिटेल यहाँ देखने को मिल रही है वो है इंटीग्रेटेड फोर्स फीडबैक। अब सबसे बड़ा सवाल मन में आपके ये उठेगा कि ये इंटीग्रेटेड फोर्स फीडबैक क्या है। मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि जैसे कि क्या होता है कि जब आप कोई गेम प्ले कर रहे हो अपने मतलब डिस्प्ले पर और उसमें क्या होता है जब आप कोई ट्रिगर करते हो मतलब जैसे आपने गन मारी ठीक है और या फिर आपने क्या किया कि हो सकता है वहां से आपको धक्का मिला तो ये उसी हिसाब से वाइब्रेट करेगा या थोड़ा पुशबैक करेगा, तो इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड फोर्स फीडबैक। फिर आपको इसमें मिल जाता है बिल्ट इन बैटरी, फिर आपको ABXY कीज मिल जाती है जो कि ये होती हैं, प्लस आपको इसमें मिल जाता है विंडोज 10 कंपैटिबल यानी कि सिर्फ विंडोज 10 के साथ कंपैटिबल है और प्लस 2 एनालॉग ट्रिगर्स यानी कि ये वाले और 10 मीटर वायरलेस कनेक्टिविटी यानी आप 10 मीटर की रेंज में आप इसे वायरलेसली यूज कर सकते हो। 2 एनालॉग स्टिक्स मिल जाती हैं और अप टू 10 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ आपको देखने को मिलती है प्लस 11 डिजिटल कीज। तो ये एक अपग्रेडेड वर्जन है 2 डोंगल्स के साथ जो कि बहुत अच्छी बात है और मैंने इसे अभी पर्सनली यूज करके देखा नहीं है, अभी मैं आप ही के सामने इसे खोलूंगा और यूज करके देखूंगा ठीक है। वही सेम सी स्पेसिफिकेशंस दी है और ये इसका मैं बता दूं ये जो प्राइस मैंने इसका लिया है मतलब अमेज़न से वो करीब मैंने 1050 रुपये पे किए हैं इसके ठीक है। तो आई थिंक अच्छा प्राइस मिल गया रेड गियर का और इसकी जो क्वालिटी है मैंने रिव्यूज देखे काफी अच्छे थे, वहाँ पे कमेंट्स पड़े हुए थे अमेज़न पे, तो आई थिंक ये मेरे लिए बेस्ट था, मेरे लैपटॉप के साथ गेमिंग करने में काफी मजा आएगी मुझे। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स, काफी सिंपल सी अनबॉक्सिंग है, बस इसको साइड में खोलना है। तो बस दोस्तों ये सिंपल सा एक यहाँ पे आपको जो रिमोट आपको बेसिकली चीज होनी चाहिए वो है और एक यहाँ पे डोंगल दे रखा है जो हमारे जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको रिसीव करने के लिए और हमारे गेम प्ले में साथ देने के लिए। तो ये हमारा हो गया एक रिसीवर और यहाँ पे हमारा मेन रिमोट है और ये देखिए ये स्टार्ट हो गया, बटन दबाते ही यहाँ दिखा रहा है 4 लाइट्स और ये आपका 2 ट्रिगर्स हो गए प्लस मतलब यहाँ पे 4 ट्रिगर्स आपको देखने मिलते हैं LB RB और LT और RT, ये 4 ट्रिगर्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाता है जो कि चार्जिंग के लिए है, नॉर्मल जो आपका माइक्रो USB चार्जर है उससे चार्ज हो जाएगा और ये XY AB कीज मिल जाती है, एक स्टार्ट और सेलेक्ट का की मिल जाता है, एक टर्बो की मिल जाती है, नॉर्मल नेविगेशन बटन्स मिलते हैं और एक मोड का होम का की मिलता है जिससे कि आप सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफी मजबूत है यार, हाथ में काफी कंफर्टेबल है और यहाँ पे थोड़ी सी रफनेस है जो कि एक अच्छा ग्रिप आपको प्रोवाइड करती है होल्ड करने में। तो ये बेसिकली इसका ओवरव्यू हो गया, आई होप ये आपको रिमोट पसंद आया हो और चलिए इसका गेम प्ले करके देखते हैं कि कैसा मतलब गेम में कैसा ये प्ले करेगा, कैसा एक मतलब रोल प्ले करेगा। तो चलिए पहले करते हैं देखते हैं इसको कैसा प्ले करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह मेरे सिंपल से एक लैपटॉप है जो मैंने आपको पहले भी रिव्यू करके दिखाया है और यहाँ पे मेरे पास ये गेम रिमोट रखा हुआ है, इसे मैं बताता हूँ कि कैसे कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको सिंपली एक डोंगल देखने को मिल जाता है जो मैंने आपको पहले बताया और इसको आपको प्लग इन करना है अपने USB पोर्ट में। तो जैसे आप प्लग इन करेंगे तो लेट मी प्लग इन फर्स्ट, जैसे प्लग इन करेंगे तो यहाँ पे आपको अब लैपटॉप पे एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, आवाज आ जाएगी कि हाँ कुछ प्लग इन हो गया है और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। अगर आपके में कोई गेम इंस्टॉल है तो आप उसे प्ले कर लीजिए आपका गेम ब्लॉक का, जैसे मैंने असफाल्ट 9 का जो लेजेंड्स है वो मैंने इसमें इंस्टॉल कर रखा है। तो चलिए इसको प्ले करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ सेलेक्ट टू टर्न गेम ऑन प्लस विंडो प्लस जी की, ये तो नॉर्मल सी जो फंक्शनैलिटी वो हो जाती है। तो देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है रिमोट की तरफ से, क्योंकि मैं भी पहली बार इसे प्लग इन कर रहा हूँ और वेट करते हैं। आई थिंक नेट की स्पीड थोड़ी स्लो आ रही है, वेट। तो
तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ लैपटॉप पे लिख के आ रहा है, आई थिंक चला गया, नहीं तो मैं आपको दिखाता। जैसे कि यहाँ पे होम पे बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो आप माउस का मूवमेंट देख सकते हो आपको दिख रहा है। जैसे कि मैं होम का बटन दबा रहा हूँ तो यहाँ पे एक्सबॉक्स का ये जो विंडो स्क्रीन है आपको दिख रहा होगा, लेट मी जूम लिटिल बिट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक विंडो बनकर आ रही है जिसमें मैं यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए ऑप्शन है, और प्लस यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग का बटन मिल जाता है और इसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ब्रॉडकास्ट कर सकते हो लाइव को गेम। और यहाँ पे थोड़े बहुत ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ एक्सबॉक्स का एक ऑप्शन आ जाता है, अलग अलग मिक्सर का ऑप्शन आ जाता है, फाइल्स का ऑप्शन आता है, सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाता है। तो ऐसे करके विंडो, ये विंडो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ इसके होम बटन से, अगर मैं इसे दबाता हूँ तो चला जाता है, इसे आता है तो ये आ जाता है वापस। तो इस तरह ये गेम रिमोट काम करता है, और इसकी और डिटेल मैं आपको इस वीडियो में लगातार देता रहूंगा। तो फिलहाल इतनी सी डिटेल है, और यहाँ पे मेरे पास ये गेम खुला हुआ है। अगर मैं आवाज ओपन कर दूँ, आवाज मैंने थोड़ी कम कर दी है, ठीक है। और अब मैं इसे देख सकते हैं कि मैं इस पूरे माउस को आराम से डोंगल, मतलब डोंगल की मदद से, रिमोट की मदद से कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे ये प्ले पे माउस लाया और मैंने ए से ये सेलेक्ट कर लिया, तो इस तरह से मैं अलग अलग ऑप्शंस गेम में सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। काफ़ी स्मूथ चल रहा है, काफ़ी स्मूथ चल रहा है ये। और जैसे ये मैंने लेवल चूज किया और लेट्स प्ले, देखते कैसा क्या कंट्रोल है। मैं टच ड्राइवर ऑफ कर रहा हूँ गेम का, ताकि मैं इस गेम कार को फुली कंट्रोल कर सकूँ, देखना चाहता हूँ कि किस तरह स्मूथ चलता है। तो लैपटॉप की ग्राफिक्स को मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कैसे इसकी ग्राफिक्स है और कैसे इसकी ग्राफिक्स नहीं है। और थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, आई होप आपको दिख रहा हो। लेट्स स्टार्ट। यार दोस्तों मैं काफी स्मूथली यार गेम को रन कर पा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, और काफ़ी मज़ा आ रही है। और ये देखिए यहाँ पे फंक्शनैलिटी भी बता रहा है गेम को कैसे कंट्रोल करना है, मुझे ट्रिगर को यूज़ करना है, तो उस हिसाब से मैं ट्रिगर को यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत मज़ा आ रही है यार। और लेट्स चलिए रैंप पे चढ़ते हैं, और ये रही, बहुत मज़ा आ रहा है गेम को खेलने में, काफ़ी स्मूथ रन कर रहा है, कोई भी लैग स्पेशली देखने को नहीं मिल रहा मुझे इस गेम में, और काफ़ी स्मूथली रन कर पा रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैं जो भी कंट्रोल कर रहा हूँ अपने रिमोट से ही कर रहा हूँ। और यार सच बताओ कीबोर्ड से खेलने में ना बहुत इरिटेशन होती है, अलग अलग कीज़ जो हैं बार बार दब जाती है, गेम प्ले पूरा ख़राब हो जाता है। तो आई थिंक इसी एक्सपीरियंस के लिए मैंने इसे लिया था, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड अबाउट इट। और आप इसको ले सकते हैं, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस है, फर्स्ट तो आना है। यस ऑफ कोर्स हम फर्स्ट आ गए, तो काफ़ी मज़ा आया। और आई थिंक चलिए वापस से चलते स्टूडियो में, इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इस रिमोट के बारे में जितनी भी जानकारी पॉसिबल हो सकती थी मैंने आपको दे दी, इसके कीज के बारे में, इसको मैंने गेम प्ले करके दिखा दिया, रसवाल्ड 9 से अच्छा कोई गेम नहीं हो सकता था, तो मैंने उसमें भी आपको प्ले करके दिखा दिया। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी इस रिमोट के लिए मैंने पॉसिबली आपको दी है। और अगर आपको सच बताओ यार ये वीडियो अच्छी लगी हो, या और कोई भी जानकारी आप चाहते हो ना, तो मुझे आराम से दिल खोल के नीचे कमेंट करो, रिप्लाई में हमेशा रहता हूँ। अगर आप मेरी प्रेजेंट ऑडियंस हो तो आपको पता होगा हिमांशु उत्तर रिप्लाई जरूर देता है, तो नीचे आप रिप्लाई कमेंट करो, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा अगर कोई भी आपका सवाल है। अगर आपने अभी तक हमें कहीं फॉलो नहीं किया है तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर जहां फॉलो करना चाहते हो हर जगह फॉलो कर लो। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बड़ों की इज्जत करो, आसपास सफाई रखो, डू सम इनिशिएटिव्स टू मेक इंडिया टेकी। थैंक यू।